ईद उल फितर के मौके पर हाफिज अहमद की एक बेकरी ने कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, घर रहें महफूज रहें और मास्क के डिजाइन वाले केक तैयार किए। ये केक निहायत मकबूल और हाथों हाथ फरोख्त हो रहे हैं। हाफिज शकील अहमद की रिपोर्ट इसी बारे में है। ईद उल फितर यानी मीठी ईद, अगर इस खुशी के मौके पर फ्रेश क्रीम, चॉकलेट और पिस्ता बादाम से तैयार करदा केक मिल जाए तो लुत्फ दुबाला हो जाता है। कोरोना सूरत हाल के पेश नजर हाफिजाबाद की एक बेकरी ने कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, घर रहें महफूज रहें और फेस मास्क के डिजाइन वाले खसूसी ईद केक तैयार किए हैं। ये मुनफरिद केक शहरी निहायत पसंद कर रहे हैं। बेकरी मालिक का कहना है कि ईद पर लोग केक जरूर गिफ्ट करते हैं, इसलिए कोरोना से बचाव का पैगाम देने के लिए ये खसूसी केक तैयार किए गए हैं। ये रवायती केक्स के साथ साथ हम स्पेशली कोरोना के वाले से कुछ केक बना रहे हैं, जिनके ऊपर फेस मास्क, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के कुछ पैगाम लोगों को केक के वाले से दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि वो अपनी पसंद के मुख्तलिफ केक खरीदते और दोस्त अहबाब को गिफ्ट करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना पैगाम वाले केक निहायत पसंद किए जा रहे हैं। केक खरीदा वो कोरोना के वाले से मैंने खरीदा, क्योंकि बेकरी वालों ने केक के ऊपर फेस मास्क भी बनाया हुआ है, जो कि काफी अच्छा, जो बच्चों को मैं तकसीम अंदाज करता है, बच्चों को भी अवेयरनेस होती है। ईद की खुशियां दुबारा करने के लिए केक जरूर खाएं, मगर SOPs का ख्याल रखते हुए घर रहें महफूज रहें।